अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हमारी वीडियो का उन्वान है वर्टिकल टेक्स्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे आप वर्टिकल टेक्स्ट इंसर्ट करें या किसी भी हेडिंग को आप वर्टिकली कन्वर्ट कर दें या तब्दील कर दें, चेंज कर दें। तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे एक एक्सेल की शीट नजर आ रही है आपको। इस एक्सेल की शीट में मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, इन मुख्तलिफ टेक्स्ट है, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ हेडिंग्स। तो चूंकि हमें किसी हेडिंग को टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है वर्टिकली, तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे उस हेडिंग को या टेक्स्ट को। तो मिसाल के तौर पर हम सीरियल नंबर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, और सीरियल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने टच पैड से या माउस से आप राइट क्लिक का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक मेन्यू अपेयर होगा। इस मेन्यू के अंदर आखिर में आप आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल। इस फॉर्मेट सेल के ऑप्शन को आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ और ऑप्शंस नजर आएंगे स्क्रीन में, और जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, सो ऑन। हमें गर्ज है नंबर 2 टैब, ये नंबर 2 ऑप्शन जो कि अलाइनमेंट ऑप्शन कहलाता है, इस अलाइनमेंट को आप सेलेक्ट करेंगे। इसका ताल्लुक टेक्स्ट से है। अब इसकी अलाइनमेंट आप देख सकते हैं, आप राइट साइड पे आप आ जाएं, आप देख सकते हैं डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ 0 डिग्री है। अगर मैं अपने टेक्स्ट का जो एंगल है डिग्री में चेंज करता हूँ वैल्यूज, तो आप देखेंगे उसका एंगल भी चेंज हो रहा है, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ हमें क्योंकि टेक्स्ट की डायरेक्शन करना है कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर वर्टिकल, उसको हम 90 डिग्री पर ले जाएंगे। तो मैं इसको 90 डिग्री कर दूंगा। जैसे ही मैंने 90 डिग्री किया, आप देख सकते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुकी है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 90 डिग्री करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ओके के बटन पर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट जिसको मैंने सिलेक्ट किया था वो वर्टिकल तब्दील हो चुका है, यानी वर्टिकली चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को, हेडिंग को आप वर्टिकल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आसानी के साथ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।